हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों की क्लास 7th की सामाजिक ज्ञान के पहले पाठ हजारों वर्ष के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल इस पाठ पर एक वीडियो लेकर आया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो ये देखिए, ये आपके सामने एक नक्शा है। इसमें ये जो नक्शा है, इस नक्शे में भारत को दिखाया गया। ये पूरी दुनिया का नक्शा है और ये नक्शा बनाया है अल अद्रिसी। अल अद्रिसी में इसमें इन्होंने भारत को भूमि से समुद्र तक दिखाया है। ये नक्शा आप देख रहे हो। और दूसरा नक्शा जो है, ये 1720 में गिवलाम द लिस्ले के एटलस नूवो के अनुसार बनाया गया है। ठीक है, अब आप ये देखते हो कि ये एक नक्शा अरब भूगोलवेत्ता अल अद्रिसी ने 1154 में बनाया था और दूसरा फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था। दोनों नक्शे एक ही इलाके की हैं, मगर उनमें काफी अंतर है। अल अद्रिसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह पर है जहां आज उत्तर भारत ढूंढेंगे, और दक्षिण श्रीलंका का द्वीप उत्तर की जगह है। अरब जगहों के नाम अरबी में दिए गए हैं, पर उनमें से कुछ जाने पहचाने नाम है, जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज। मानचित्र दो पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 साल बाद बनाया गया। इस अवधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफी बदल गई थी। ये नक्शा हमें ज्यादा परिचित लगेगा। यहाँ पर तटीय इलाकों में बारीक ब्योरे देखकर आप हैरान होंगे। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्री यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल करते थे। अब भीतरी इलाकों पर नजर डालो, क्या इनमें भी इतने ब्योरे हैं जितने समुद्र तट वाले हिस्से में? गंगा के मार्ग को देखो तो इस इलाके में आपको तटीय और भीतरी इलाकों के ब्योरों और बारीकी का जो अंतर है, उसका कारण क्या है? अब देखो, जब आप इस नक्शे को देखते हो ना, आप बड़े गौर से जब आप इस नक्शे को अपनी किताब में देखोगे तो आप देखोगे, क्योंकि ये जो व्यापारी थे ना, ये समुद्र यात्रा के लिए आते थे तो ये तटीय इलाकों में आते थे। तटीय इलाके मतलब जहां ये जो समुद्र के आसपास के इलाके हैं ना, इन्हें हम तटीय इलाके कहते हैं। तो ये इन इलाकों में ज्यादा आते थे और अंका अंदर वाले हिस्सों में ज्यादा जाने का काम नहीं होता था। इसलिए जो ज्यादा ब्योरे हैं वो यहाँ की साइड के मिलेंगे, अंदर की साइड के ज्यादा ब्योरे आपको नहीं मिलेंगे। और दूसरी बात, 600 सालों में मानचित्र अंकन का विज्ञान बदल गया था। 600 साल पहले टेक्निक ज्यादा पुरानी थी, अब टेक्निक भी नहीं आ गई थी। इतिहासकार जब बीते युग के दस्तावेज, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं तो वो उन सूचनाओं, संदर्भों, उनकी अलग अलग ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का भी ध्यान रखते हैं, और ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर ध्यान नहीं रखेंगे, अब मान लो आप कहो कि 600 साल पहले वाले नक्शे में आपको राजस्थान का नाम मिल जाए तो आपको नहीं मिलेगा। यहाँ राजस्थान के बदले में आपको अलग अलग स्टेट्स मिलेंगी। नई और पुरानी शब्दावली, समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है? देखो, ऐतिहासिक अभिलेख हमें कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और भाषाएं समय के साथ बहुत बदलती है। जैसे मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी से अलग है, और ये जो भिन्नता सिर्फ व्याकरण शब्द भंडार में नहीं बल्कि समय के साथ शब्दों के अर्थ बदल लेती हैं। जैसे एक एग्जाम्पल दिया, हिंदुस्तान। आज हम हिंदुस्तान का मतलब लेते हैं भारत। जब फारसी के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा, गंगा, जमुना के मैदान में स्थित इलाकों से था। इसने उस शब्द का इस्तेमाल उन इलाकों के लिए किया गया था जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। सल्तनत का जैसे जैसे प्रसार हुआ और इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत कभी भी जोड़ा नहीं गया। इसके विपरीत 16वीं शताब्दी के शुरू में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग यहाँ के भूगोल, पशु पक्षियों और निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया गया था। यह प्रयोग 14वीं शताब्दी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त हिंद के
के ही कुछ कुछ समान था, मगर यहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा है। वह हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जिन्हें आज हम जोड़ते हैं। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उस शब्द के कुछ अलग ही अर्थ थे। जैसे विदेशी, आज विदेशी का मतलब होता है ऐसा आदमी जो भारत का ना हो। मध्य युग में कोई गांव से आने वाला कोई भी अनजान जो उस समाज संस्कृति का अंग ना हो विदेशी कहलाता था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी, फारस में अजनबी कहा जा सकता है। यानी कि अगर आप कोई शहर के रहने वाले हो तो आपके लिए वनवासी विदेशी होता था, पर एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग धार्मिक जाति परंपराओं से जुड़े होने के कारण एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। इतिहासकार और उनके स्रोत। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं, उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसके लिए वो तरह तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। छठी क्लास में हमने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। इस पुस्तक में हम 1700 से 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे और इसके आगे हम 8वीं क्लास में पढ़ेंगे। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें ऐसी बातें, बहुत सारी बातें तो ऐसी होंगी जो पिछले युग से वैसी ही चली आ रही हैं। देखो, इतिहासकार किसी की सूचना इकट्ठा करने के लिए सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य यानी कि भवन कैसे बनाए गए या लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई है। इसके एक आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकारों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करते हैं। देखो क्या एक एग्जाम्पल दिया इन्होंने कि 13वीं शताब्दी के मध्य में एक विद्वान को एक पुस्तक की प्रतिलिपि की जरूरत पड़ी। उसके पास उतना कागज नहीं था, इसलिए उसने एक ऐसे पांडुलिपि को धो डाला जिसकी उसे जरूरत नहीं थी और उसके कागज को सुखाकर इस्तेमाल कर लिया। और एक सदी के बाद अगर आप बाजार से कोई सामान खरीदते हो तो हो सकता है और वो दुकानदार आपको वो सामान कागज में लपेट कर दे देता है। तो कागज कब महंगा था, 13वीं शताब्दी में या 14वीं शताब्दी में? देखो, 13वीं शताब्दी में कागज इतना महंगा था कि लोग पांडुलिपि को धोकर इस्तेमाल करते थे। 14वीं शताब्दी के अंदर कागज इतना महंगा नहीं था कि दुकानदार आपको कागज में चीज लपेट कर दे देता था। अब धीरे धीरे कागज सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध होने लगा। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृतांत मतलब राजाओं के बारे में, संतों के लेखन, उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब, करों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे। धनी व्यक्ति या राजा महाराजा मठ मंदिर पांडुलिपियां इकट्ठी करते थे। इनको पुस्तकालय अभिलेखागारों में इकट्ठा किया जाता था। अभिलेखागार ऐसी जगह होती है जहां दस्तावेज या पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ, हमारा जो राजस्थान का राज्य अभिलेखागार है वो बीकानेर के अंदर है। आज सभी देशों के सभी राज्यों के अभिलेखागार होते हैं जहां उनके पुराने अभिलेख, लेन देन के रिकॉर्ड वगैरह रखे जाते हैं। हमारे यहाँ के राजस्थान के बीकानेर में रखे जाते हैं। इनसे हमें जानकारी तो बहुत मिलती है पर इनका उपयोग बहुत कठिन होता है। उस दिन छापे खाने तो थे नहीं, इसलिए लिपि क्या नकल नवीस पुराने जमाने में क्या होता था कि किताबें छपती नहीं थी, उनको हाथ से लिखा जाता था। वो अपने हाथ से लिखकर पांडुलिपियों की नकल बनाते थे। अब आपने किसी बच्चे की होमवर्क कॉपी ली हो तो आपको पता है ना कि आपको कभी कभी दोस्त की हैंडराइटिंग समझ नहीं आती है, आपको आइडिया लगाना पड़ता है कि क्या लिखा गया है। इससे जो आपका दोस्त जो कुछ लिखता है उसमें से कुछ छोटे मोटे परिवर्तन अंतर आ जाते हैं। पांडुलिपियों की प्रतिलिपि बनने में भी ऐसा होता है। जो लिखने वाले होते थे छोटा मोटा फेरबदल करते थे, कहीं कहीं शब्द, कहीं कहीं वाक्य करते थे। सदी दर सदी प्रतिलिपियों की प्रतिलिपियां बनती रही और एक ही मूल ग्रंथ की अलग अलग प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत अलग हो गई। क्योंकि अब ये प्रॉब्लम क्या है कि अब हमें वो ओरिजिनल पांडुलिपि तो मिलती नहीं है, हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपि पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इस बात का अंदाजा लगाने के लिए कि लेखक ने क्या लिखा था, हमें एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों को पढ़ना पड़ता है।
कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते थे। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी ने अपना पहला वृत्तांत 1356 में और दूसरा 1358 में लिखा था। दोनों में अंतर है, पर 1971 तक इतिहासकारों को 1356 वाले वृत्तांत के बारे में जानकारी ही नहीं थी। ये पुस्तकालय के विशाल संग्रहों में कहीं दबा पड़ा था। बाद में जब मिला तो हमें पता चला, अच्छा इसने तो दो वृत्तांत लिख रखे हैं। सन 700 से 1750 के हजार सालों का अध्ययन इतिहासकारों के लिए चुनौती रखता है, क्योंकि इस समय बड़े बड़े पैमाने पर कई परिवर्तन हुए। हमें नई नई टेक्निक देखी, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखा और युद्ध में आग्नेयास्त्र, बारूद वाले हथियार। कई नए तरह के खान पान आए, आलू, मक्का, मिर्ची, चाय, कॉफी। ये सारे परिवर्तन, नई टेक्नोलॉजी, फसलें उन लोगों के साथ आई जो नए विचार भी लेकर आए। यानी कि ये काल में आपको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल माना जाएगा। इस काल में लोगों की गतिशीलता एक से दूसरी जगह पर आना जाना बहुत बढ़ गया। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्राएं करने लगे। इस महाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। हमारा भारत सोने की चिड़िया था। ये देखो, ये रहट दिखाया गया है, ये पुराने जमाने का एक रहट है जो पुराने जमाने में चलता था, इससे पानी निकाला जाता था। इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा, उनमें से एक समुदाय था राजपूत समुदाय, जिसका नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र से निकला है। 8वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में ये नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण होने का दावा करते थे। राजपूत के अंतर्गत राजा और सामंत, उनके मंत्री वगैरह नहीं बल्कि सेनापति और सैनिक भी आते थे, जो पूरे देश में अलग अलग शासकों की सेनाओं में काम करते थे। कवि और चारण, राजपूतों की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। इस अवसरों में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहम और कायस्थ, कायस्थ जो कि लिपिक और मुंशियों का काम करने वाले जाति थी, इन्होंने उठाया। जंगलों की कटाई हो रही थी, खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ इलाकों में ये परिवर्तन अन्य इलाकों की अपेक्षा तेजी से ज्यादा हुआ। पर्यावास, पर्यावास का अर्थ होता है कि किसी क्षेत्र के पर्यावरण और वहां के रहने वाले लोगों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली। अब लोगों के पर्यावास में परिवर्तन के कारण कुछ वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे, वो किसान बन गए। अब किसानों के ये समुदाय क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होते थे। वे बड़े और जटिल समाज का अंग बन गए। उन्हें टैक्स देना पड़ता था और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी, इसलिए उनके बीच में आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। कुछ के पास ज्यादा उपजाऊ जमीन होती थी, कुछ लोग जानवर पालते थे और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी का काम कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगा, लोग जातियों और उपजातियों में बंटने लगे। उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया गया। ये दर्जा स्थायी नहीं था। किसी जाति विशेष के सदस्यों में कितनी हाथ में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधन है, उसके आधार पर उसके दर्जे बदलते थे। एक जाति किसी क्षेत्र में कोई दर्जे में थी, किसी और क्षेत्र में कोई और दर्जे में। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां अपने नियम खुद बनाती थी। इनका पालन बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे जात पंचायत कहा जाता था। जातियों को अपने निवास के गांवों के रिवाज का पालन भी करना पड़ता था। कई गांवों पर मुखियाओं का राज होता था, मिला जुला कर वे एक राज्य की छोटी इकाई होती थी। इसके बाद में हम देखते हैं बच्चों, क्षेत्र और साम्राज्य। अब ये जो क्षेत्र और साम्राज्य वाला हिस्सा है बच्चों, इसको हम पार्ट टू में पढ़ेंगे। यहाँ पर ही हमारा ये पार्ट फर्स्ट एंड होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और पार्ट टू का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। थैंक यू।